नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सुविख्यात कलाकार उस्ताद राशिद मुस्तफा थिरकपा का तबला वादन। फारुखाबाद घराने से ताल्लुक रखने वाले इस कलाकार की गिनती तबला वादन के क्षेत्र में कुछ चुनिंदा कलाकारों के रूप में की जाती है। कहते हैं आसान नहीं होता संगीत की विरासत को बनाए रखना, लेकिन खालिस हुनर के बूते पर उस्ताद राशिद मुस्तफा ने अपने दिवंगत पिता उस्ताद मोहम्मद जान खान और पद्म भूषण से सम्मानित अपने चाचा अहमद जान खान से न केवल संगीत की तालीम हासिल की बल्कि इनकी विरासत को भी बखूबी निभाया। उस्ताद राशिद मुस्तफा फरुखाबाद घराने से तो ताल्लुक रखते ही हैं, साथ ही तबले के अन्य घराने जैसे दिल्ली अजराडा और पूरब की शैलियों में भी माहिर हैं। उस्ताद राशिद मुस्तफा ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अनेक संगीत समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें खास है भारतीय विद्या भवन का थिरकपा अवार्ड और दावोस स्विट्जरलैंड का लॉर्ड यहूदी मेहुनिन अवार्ड। तबला वादन के क्षेत्र में इनका सफर 7 साल की छोटी सी उम्र से शुरू हुआ जो आज भी जारी है। ताल और लय का अद्भुत संगम इनके तबला वादन में बखूबी देखने को मिलता है जो वाकई काबिले तारीफ है। और आज वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं 3 ताल, जिसमें सारंगी पर संगत कर रहे हैं मशहूर सारंगी वादक कमाल साबरी और तानपुरा में शारिक मुस्तफा। Thank you.
Thank you.
ये है दूरदर्शन और आप देख रहे हैं नेशनल चैनल।